हाय मतलब कैसे करे स्टार्ट स्टार्ट तो क्या कंटिन्यू बोलो यार करे कंटिन्यू क्या एटमिक स्ट्रक्चर कहाँ पहुंचे भैया। अपन पहुंच चुके हैं एनर्जी डायग्राम तक। एनर्जी डायग्राम बनाया अभी। चलो अब क्या करना अपने को, ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन मोस्ट हेडिंग है, न्यूमेरिकल देता है, आईआईटी भी देता है, नीट भी देता है, सब देते हैं यहाँ न्यूमेरिकल अपने अपने। ठीक है सर, ऐसा बोलते हैं कि बोहर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्सन है ये। ठीक है तो लिखना स्टार्टिंग है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ट्रांजिशन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरी सेल जंप करता है। जब भी जंप करता है एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करता है फोटोन के फॉर्म में, वो सिखाना है मेरे को। ठीक है तो पहला पॉइंट क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा हायर सेल में तो एक फोटोन है पर्टिकुलर एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइट टू हायर सेल देन इट एब्जॉर्ब ए फोटोन ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी। आगे बात करूं, जैसे एनर्जी लेवल अप करेगा तो एक पर्टिकुलर फोटोन को एब्जॉर्ब करे कैसे, जैसे इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है तो यहां से यहां जाना है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप इसको क्या दोगे, एक फोटोन दोगे। ठीक है, लेकिन ये फोटोन होगा क्या, इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, तो ये जो तो फोटोन दे रहे हो, ये जो तो फोटोन दे रहे हो, ये फोटोन किस एनर्जी का होगा, ये फोटोन एनर्जी का होगा E2 - E1। मतलब इन दोनों के बीच जो तो एनर्जी डिफरेंस है उतना ही फोटोन थी, इसको ज्यादा नहीं। पर्टिकुलर एनर्जी क्या है, पर्टिकुलर एनर्जी फोटोन ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी, ये जो पर्टिकुलर एनर्जी है वो यही है कि इन दोनों का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एनर्जी का फोटोन दोगे, जो कि आप उस फोटोन का वेवलेंथ भी निकाल सकते हो SC/λ से और फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो H=hν से, E=hν से। ठीक है, वैसा ही एक और पॉइंट बन जाएगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट टू लोअर सेल। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट एक्साइट टू लोअर सेल देन इट एब्जो इट एमिट एमिट ए फोटोन ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी। अब पर्टिकुलर एनर्जी उन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल या नहीं है, ये देख, ये दो सेल हो गए, ये N1 है, ये N2 है। ठीक है भाई, इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है, इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे अप टू डाउन आएगा तो वो फोटोन क्या करेगा, एमिट करेगा। इस फोटोन की जो एनर्जी है, ये जो फोटोन एमिट हुआ है, इस फोटोन की जो एनर्जी है वो वापस E2 - E1, इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होना है, जो कि आपके लिख सकते हो SC/λ। इस फोटोन का वेवलेंथ पता करना है और H/ν इसकी फ्रीक्वेंसी पता करनी है। सिंपल सी चीज है यार, ये अपने बहुत फॉर्चुनेट हो पढ़ा था, लेकिन इसका सही फॉर्मेट अभी किया अपन लोगों ने। चलो तो नेक्स्ट क्या, देखो थर्ड पॉइंट, तो इसको लिख लेना, बढ़िया चीजें ये दोनों ही काम में आएगी, न्यूमेरिकल से बहुत बारी काम में आएगी ये दोनों चीजें, दोनों लाइंस। ये पर्टिकुलर एनर्जी बड़ी खास बात है, ये पर्टिकुलर से कम दे दी तब भी दिक्कत है और ज्यादा दे दी तब भी दिक्कत, दिक्कत तो क्या कुछ होगा ही नहीं। ठीक है चलो, तो अब अपने जो थर्ड पॉइंट है, आप जब भी एनर्जी लेवल का डिफरेंस करोगे डेल्टा ई करोगे, और ये डेल्टा ई इज टू SC/λ करोगे आप लोग, ये एनर्जी जनरली आपको N1 और N2 की, जो E1 और E2 है, आपने सारी अभी थोड़ी देर पहले कल वाली क्लास में आपने जो याद की थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद की थी, और वेवलेंथ जनरली पूछा जाता है एंगस्ट्रॉम में, तो मैंने एक ट्रिक बनाई, एक फॉर्मूला बनाया, जो कैलकुलेटेड फॉर्मूला है वो तुम्हारे काम में आएगा। E2 रख इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू निकाल इसमें पुट कर। ठीक है, और 12400 एंगस्ट्रॉम है, सॉरी कॉन्स्टेंट है SC का मल्टीप्लाइड फॉर्म में, और यहां पर जो वेवलेंथ है एंगस्ट्रॉम में रख दे। अब हो सकता है तेरे को एनर्जी डिफरेंस पता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वेवलेंथ पूछ लेती है, फॉर्मूले में एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ आ जाएगी, और हो सकता है जो फोटोन एमिट हुआ उसकी वेवलेंथ पता है, तो एनर्जी डिफरेंस पूछ लिया जाए, तो एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहां पर वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में पुट करना, एनर्जी डिफरेंस अपने आप ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये किस लिए बनाया था, कि बार बार जो यूनिट आप कन्वर्ट करते हो, कन्वर्जन जो प्रॉब्लम है वो मिट जाए, वो खत्म हो जाए। ठीक है चलो, नेक्स्ट है रिडबर्ग इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, रिडबर्ग इक्वेशन।
ये झंझट दूर करने के लिए किया है ये सारा कुछ, ये भी जो सारा किया है, ये झंझट जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन का, इस झंझट को दूर करने के लिए किया है। फोर्थ है रेडबर्ग इक्वेशन, सिंपल सा इक्वेशन, शायद तो अपन भी डेराइव कर लेते हैं। उसने क्या बोला कि दो एनर्जी डिप लेवल है ई वन एंड ई टू, ये सेल एन वन है और ये सेल एन टू है, तो फोटोन हमेशा एमिट एब्जॉर्ब इसके एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगा। तो उसने बोला कि जो तो ई वन है वो इवन कुछ कांस्टेंट, यदि 13 पॉइंट माइनस का जो भी रखते हो, जिस भी यूनिट रखते हो, इनटू वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस, सॉरी 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 सॉरी, वापस देखो मैं एनर्जी का फॉर्मूला जो अपन ने याद किया वो रख देता हूँ ना, 13.6 Z² अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखा तब 13.6 है, यदि कोई और डायमेंशन में रखते तो शायद इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आता, ना ही 13.6 आता, जूल में रखते हैं किसी में रखते हैं, पर अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से बात करते हैं। ये फर्स्ट है तो ये भी फर्स्ट आ जाना, और जेड सेम रहना है क्योंकि एक ही एटम में ट्रांजिशन हो रहा है। यदि मैं ई टू की बात करूं तो क्या था, -13.6 Z² अपॉन एन टू का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देख दोनों के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल ही फोटोन का एमिशन होता है, तो डेल्टा ई इज गोस टू जो फोटोन एमिट एब्जॉर्ब जो भी होता है, तो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो ये डिफरेंस करोगे तो ये 13.6 इंटू Z² 1 अपॉन n1 स्क्वायर -1 अपॉन n2 स्क्वायर दोनों के डिफरेंस, और ये जो एनर्जी डिफरेंस है मैंने बताया था, ये एनर्जी डिफरेंस के इक्वली एनर्जी का फोटोन एमिट होता है, जो कि SC/λ के इक्वल कर सकते हो। तो 13.6 Z² 1 अपॉन n1 स्क्वायर -1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब क्या करना है, 1 अपॉन लेमडा एक साइड रखा, 13.6 अपॉन SC कॉन्स्टेंट सारे एक साइड रख दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जूल में रखना है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप लोग डिसाइड करोगे। हालांकि ये डिसीजन सारा रिडबर्ग ने ले लिया था, -1 अपॉन n2 का स्क्वायर। अब ये सारा के सारा कॉन्स्टेंट नहीं है क्या भाई, ये सारा के सारा कॉन्स्टेंट, एच कॉन्स्टेंट, सी कॉन्स्टेंट, ऊपर वाली वैल्यू कॉन्स्टेंट, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू किस आर एच पुट करी रिडबर्ग ने, अपने नाम से कॉन्स्टेंट रखा बेचारे ने, और खुद का नाम कोई फेमस नहीं करना चाहता, उसने भी किया यार अपना नाम आर एच इंटू Z² 1 अपॉन n1 स्क्वायर -1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब देखो ये जो फॉर्मूला बना रिडबर्ग ने दिया था, जहां पर जो ये जो वैल्यू है आर एच की, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट नाम से फेमस हुई थी, तो आर एच की वैल्यू आप लोगों को क्या याद करनी है पहले वो बता रहा हूँ, 1 अपॉन 9 1 1 एंगस्ट्रोम, ये आपको याद करनी है। लेकिन दुनिया वाले और भी बताते हैं आर एच की वैल्यू क्या, 1 0 9 6 7 7 ऐसे कुछ वैल्यू बताते हैं, वो वैल्यू यदि तुम्हें याद है तो बढ़िया है। और ये वैल्यू किसने है, सेंटीमीटर इनवर्स में याद रखना, ठीक है, तो सेंटीमीटर इनवर्स में याद करो ठीक है, लेकिन मैं तो न्यूमेरिकल में ही काम में लेता हूँ, तुम्हें ये याद करनी है, सीधी सी बात है। अरे न्यूमेरिकल इसलिए कराऊंगा यार, मैं करवाना है ठीक है। चल अब इसमें न्यूमेरिकल क्या बनता है वो भी देख ले पहले। बोल देगा कि यदि इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट और फिफ्थ सेल में ट्रांजिशन कर रहा है, तो किस फ्रिक्वेंसी सॉरी किस वेवलेंथ का फोटोन एमिट करेगी, यदि हाइड्रोजन के अंदर ये ट्रांजिशन हो रहा है, हाइड्रोजन 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 9 1 1 दोनों का डिफरेंस रख दे, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 5 का स्क्वायर। यहाँ पर एन वन एन टू की वैल्यू इस तरह से रखना कि ताकि वेवलेंथ पॉजिटिव हो जाए, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू एन वन किसको ले रहा है एन टू किसको ले रहा है, मेन मुद्दा क्या है, मेन फंडे की बात क्या है, वेवलेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो ये नेगेटिव नहीं होगी, इसका मतलब क्या, तू एन वन एन टू दिमाग लगा के पुट करेगा, ठीक है भाई। तो इसमें सारा बता देते हैं, 1 अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ है जो ट्रांजिशन के ड्यूरिंग एब्जॉर्ब या एमिट हुई है, आर एच रिडबर्ग कॉन्स्टेंट है, जेड एटमिक नंबर है, एन वन जो ट्रांजिशन जहां से हो रहा है और जहां तक हो रहा है, ठीक है, दोनों सेल के नंबर है, ठीक है भाई, तो रिडबर्ग कॉन्स्टेंट तक कर दिया। अब देखो इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आता है, तो वो भी कर लेते हैं डिस्कस, ठीक है। चलो तो इसको नोट कर लेना सारा मुद्दा, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लगभग हो गया है अपना, इसमें क्या क्वेश्चन है, एक दो एग्जाम्पल भी देंगे अपन लोग इस फॉर्मूले से, ठीक है भाई। चलो देखो पहले एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल बोले तो एक एग्जाम्पल सिंपल सा ब्लू कलर का पेन है मेरे एग्जाम्पल के लिए फिक्स है, तो वापस ब्लू कलर का पेन लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग की हाइड्रोजन क्या हीलियम ले लेते हैं, हीलियम प्लस में इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू फोर्स एन इज इक्वल टू ट्रू में ट्रांजिशन हुआ है, तो लेमडा किसका क्या वेवलेंथ का लेमडा एमिट एब्जॉर्ब होगा ये ट्रांजिशन के लिए, हालांकि टू से फोर से टू में तो एमिट होगा, तो एमिटेड फोटोन की वेवलेंथ बतानी है, तो कैसे करोगे, सिंपल सा है सॉल्यूशन में ब्लैक कलर का पेन काम लेते हैं वो ले लेते हैं, तो 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 1 1, तो जेड स्क्वायर कितना है इंटू जेड स्क्वायर होता है ना जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर क्या है हाइड्रोजन हीलियम के लिए टू नहीं है क्या, यहाँ पर फोर आ जाना है, ठीक है भाई। चल और 1 अपॉन
यहाँ पर टू रखो या फोर? टू रखना पड़ेगा ताकि पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। ठीक है भाई, वन अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू फोर अपॉन 911 और यहाँ पर 1/4 माइनस 1/16। ठीक है भाई, चलो तो ये कितना आ जाएगा, 3/16। ठीक है, तो लैम्बडा क्या आ जाएगा, लैम्बडा आ जाएगा 911 इंटू 16 इंटू 4 अपॉन नहीं 16, ठीक है 16 डिवाइड बाई 3 इंटू 4। ठीक है भाई, तो 4 टाइम्स चला जाएगा, तो फॉर्मूला वैल्यू क्या आ जाएगा, 911 इंटू 4/3 एंगस्ट्रोम, जो भी वेवलेंथ है इसको कैलकुलेट करना, आपका आंसर तैयार है, हाजिर है आपका आंसर। अब यार ये वैल्यू यदि 911 में नहीं करते आप सेंटीमीटर पर रखते हैं, तो फिर इसको कन्वर्ट करते कितना दिक्कत होता है यार, इससे अच्छा पहले से एंगस्ट्रोम में कर लो। ठीक है, अब एक और चीज देखो, एक और एग्जांपल करते हैं इसी टाइप का, चलो इसको हटा के करते हैं ना, इसको हटा के एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसी टाइप का। देखो भाई इसका एग्जांपल करते हैं ऐसा कैसा, एक और देखो मैं तुम्हें देता हूं कि हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन एन इज टू वन से एन इज टू में भेजना है, तो किस वेवलेंथ का फोटोन चाहिए होगा, सॉरी ब्लू कलर का पेन, चलो कोई ना, काल में ले लिया। ठीक है भाई, तो एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि वन से टू में भेजना है, कौन सा वेवलेंथ देना पड़ेगा, तो वन अपॉन लैम्बडा सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका, वन अपॉन लैम्बडा इज टू वन अपॉन 911 और 1/911 इंटू 1/ जेड स्क्वायर करना है, जेड स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर आ जाना है। ठीक है, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक है, ये कैसे किया पता चल गया ना यार, ये वापस बताऊं तो देख फॉर्मूला प्रूव कर ले, 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1/N1² माइनस 1/N2², ये रहा फॉर्मूला, इससे कर ले यार काम। 1/λ आर एच कितना है 1/911, हाइड्रोजन का एटमिक नंबर कितना हो गया 1, तो ये कुछ नहीं रहेगा यहाँ पर, 1/1 का स्क्वायर पहले करोगे क्योंकि वो छोटी वैल्यू है, तो ये ओवरऑल बड़ी वैल्यू बन जाएगी और 1/4, तो कितना बन जाएगा 1/λ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/911 एंगस्ट्रोम में है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो लैम्बडा क्या आ गया भाई, 911 इंटू 4/3 दैट इज 1215 एंगस्ट्रोम ऑलमोस्ट। ठीक है, और यदि तुम ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो मेरे फॉर्मूला तीसरे नंबर पर जो ट्रिक था उससे करो, आपको पता है फर्स्ट एंड सेकंड एनर्जी लेवल जो होता है उसका डिफरेंस जो होता है एनर्जी डिफरेंस कितना आता है 10.2, मैंने बोला था ना याद करने का है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लैम्बडा क्या आ जाएगा इस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग 1240 अपॉन 10.2 लैम्बडा इज इक्वल टू 1215 एंगस्ट्रॉम। या तो इतना बड़ा कर, और ये तेरे को एनर्जी लेवल पता है कि स्टेप में काम हो जाएगा। अरे देख एक ही क्वेश्चन को दो तरीकों से किया ना मैंने, इसलिए ताकि यदि तेरे को रेडबर्ग याद हो रेडबर्ग कर रहे लेकिन लंबा रहेगा, यदि तेरे को एनर्जी डिफरेंस पता है और थर्ड नंबर पर ट्रिक पता है तेरे काम आसानी से होगा। ठीक है, चलो तो इस तरह से अपन एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, न्यूमेरिकल अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है भाई, तो देख एक और एग्जांपल करते हैं अपन लोग, अच्छा एग्जाम्पल है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए, थोड़ा भेजा फ्राई करना पड़ेगा, करो एक बार भेजा फ्राई। ब्लू कलर का पहला ना, थोड़ा सा भेजा फ्राई करना भाई, एग्जाम्पल क्या बोलता है ध्यान से सुनना, n = 2, n = 1, sorry 4 और हाइड्रोजन है, H है, तो एक फोटोन यहां से एमिट हुआ, नीचे आया जैसे इलेक्ट्रॉन आया तो एक फोटोन एमिट हुआ। ठीक है, और ये फोटोन हीलियम प्लस के N1 से N2 को दे दिया, इस इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो जैसे इसने ये फोटोन लिया होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रांजिशन किया होगा, सही बात है। तो तुम्हें ये बताना है कि जो हीलियम में ट्रांजिशन हुआ है, जो हीलियम प्लस में ट्रांजिशन हुआ है वो कौन से सेल से कौन से सेल में हुआ है, समझ आई बात, क्वेश्चन क्या है, मतलब किस सेल से किस सेल में हीलियम में ट्रांजिशन हुआ है वो आपको बताना है। ऑप्शन देख लो इसके, ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन रखते हैं अपन लोग 1 से 2, दूसरा ऑप्शन क्योंकि जाएगा तो ऊपर ही कंफर्म है 2 से 4th, थर्ड ऑप्शन 4 से 8 और फोर्थ ऑप्शन 8 से 16। ठीक है, करो इसको ट्राई, तुम लोग ट्राई करो कौन सा ऑप्शन आएगा,
यदि सही आ गया तो बढ़िया है, नहीं तो दिक्कत है भाई। चलो मैं ट्राई करूँ, यदि आपको ट्राई कर लिया तो मैं ट्राई करता हूँ। देखो सिंपल सी बात है कि जो फोटोन एमिट हुआ है वही फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है, तो इस ट्रांजिशन में जो वेवलेंथ काम में आई वही इसी ट्रांजिशन में वेवलेंथ काम में आएगी, और सेम फोटोन है सेम वेवलेंथ देना है। रिडबर्ग फॉर्मूला लगा, वन अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू आर एच वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर, दोनों के वेवलेंथ से दोनों के इक्वल कर दे, आर एच से आर एच कट जाएगा, पर सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। तो वन अपॉन हाइड्रोजन के लिए कितना है, टू का स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू यहाँ पर जेड स्क्वायर तो रहना है ना, जेड स्क्वायर तो हाइड्रोजन का जेड स्क्वायर वन था, लेकिन हीलियम का जेड स्क्वायर फोर नहीं हो जाएगा क्या, वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करके देखते एक, तो वैल्यू पुट करेगा तो पहली वैल्यू पुट करेगा नहीं बैठेगा आंसर, दूसरी वैल्यू पुट करेगा तब भी नहीं बैठेगा, तीसरी वैल्यू पुट कर देख बैठ जाएगा। कैसे, वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन सिक्सटीन, ये कितना आ गया, फोर अपॉन इज इक्वल टू फोर अपॉन फोर का स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एट का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन सिक्सटीन इज इक्वल टू वन अपॉन फोर ही बन गया, और फोर अपॉन सिक्सटी फोर तो ये वन अपॉन कितना बन जाएगा, सिक्सटीन बन जाएगा, वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन सिक्सटीन दैट इज इक्वल टू वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन सिक्सटीन। तो थर्ड ऑप्शन से ही मैच हुआ तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो गया, लेकिन इसका मेरा एक ट्रिक भी है, यदि हाइड्रोजन से आपको कहीं भी ट्रांजिशन में इक्वलिटी देखनी है, जो ट्रांजिशन हाइड्रोजन करना है वही किसी और जेड एटॉमिक नंबर कौन से एन में करेगा, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा मल्टीप्लाई बाई जेड कर देना है, किसके अंदर एन से जेड को मल्टीप्लाई कर दे, जेड स्क्वायर से नहीं करना है इस बारी, जेड को एन को जेड से मल्टीप्लाई करना है। देख ये ट्रांजिशन हाइड्रोजन में देखना चाह रहा है, ट्रिक क्या बोलती है वो देख, ट्रिक बोलती है कि सेम ट्रांजिशन तेरी हाइड्रोजन का हीलियम में देखना चाहता है, तो हीलियम का जेड से मल्टीप्लाई कर दे, तो इतना यहां पर क्या हो जाएगा, टू इंटू जेड टू हो गया, तो यहां पर फोर आ जाएगा, टू इंटू फोर दैट इज एट, वो ट्रांजिशन तो देखा जाएगा किसमें, हीलियम में फोर टू एट देखा जाएगा। ट्रिक समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो फिर से पूछ लेना मेरे से। तो कोई भी हीलियम के अंदर आपको जाना है, कहीं पर भी जाना है हाइड्रोजन से, तो जो ट्रांजिशन देखना है वो सेम ट्रांजिशन किसी भी एटम में देखना है, तो यदि ऊपर किसी में भी जा रहे एटम में तो आपको जेड से मल्टीप्लाई करना है, और हाइड्रोजन पे आना है तो जेड से वापस डिवाइड करना पड़ेगा उस सेल को या सेल नंबर को। ठीक है, जैसे इसका एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये चीज समझ में आए, ट्रिक समझ में आए मैं कैसे बता रहा था, ये ट्रिक समझाने के लिए मैं एक बार और एक और एग्जाम्पल लेता हूं। देखो कैसे, लिथियम के अंदर एक ट्रांजिशन हो रहा है, लिथियम प्लस टू के अंदर, लिथियम प्लस टू के अंदर ट्रांजिशन क्या हो रहा है, एन इजल्स टू सिक्स एन इजल्स टू थ्री पे आ रहा है, या ले लो सिक्स ले लेंगे, नाइन टू थ्री ले लो, जो फोटोन एमिट हुआ है वो फोटोन मिल दिया हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन में क्या हुआ, उस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन ने लिया, तो ये एन वन एन टू क्या होगा बताना है। तो देख हाइड्रोजन से जब आप यहां एन वन एन टू पे आते हो तो जेड से मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन यहां से हाइड्रोजन पे जाओगे तो डिवाइड कर दोगे, तो हाइड्रोजन वो एन वन एन टू क्या आ जाएगा, नाइन बाई थ्री एन वन आ जाएगा या एन टू आ जाएगा, और एन वन क्या आ जाएगा भाई, थ्री बाई थ्री, मतलब ये जो ट्रांजिशन देखने को मिलेगा वो वन से थ्री में देखने को मिलेगा हाइड्रोजन में, जो सेम ट्रांजिशन लिथियम में देखने को मिला वही सेम ट्रांजिशन हाइड्रोजन में देखना है, तो वन से थ्री का दिखेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन से किसी पे जाना जेड का मल्टीप्लाई, और किसी से हाइड्रोजन पर जेड का डिवाइड। ठीक है, ये ट्रिक बड़ी काम की है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे होते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में आपने बहुत अच्छी चीजें सीखी है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आईआईटी वगैरह का फेवरेट टॉपिक होता है। अभी भी आपको लगता है कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कैसे पूछे, सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां ग्रुप है, लिंक है, मेरा नंबर है, पूछो मेरे से डाउट, ओपन टू हमेशा आपके लिए जिंदा हूँ, तैयार हूँ, हमेशा करूंगा तैयार आपको। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है, और शेयर करना ना भूलें आप लोग। ठीक है।